हरियाणा में 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी का पेपर था। हरियाणा सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए बसें फ्री करके खूब वाहवाही लूटी, लेकिन जैसे ही सीईटी का पेपर लीक होने की खबरें सामने आई, वैसे ही विपक्ष मनोहर लाल खट्टर सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार को घेर लिया है। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा का सफल आयोजन बताकर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार की व्यवस्था की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। किरण चौधरी ने आगे लिखा कि रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप डी की परीक्षा लीक हुई थी। पेपर लीक गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। सोचिए, दिन रात मेहनत करके परीक्षा देने वाले युवाओं के मन पर क्या बीत रही होगी। हैरानी की बात यह है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह के पास क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले ही आ जाता है। जिन्हें पेपर पास करवाना होता है, उन्हें एक दिन पहले ही अपने पास बुला लिया जाता है। किरण चौधरी ने कहा कि ये भर्ती हो रही है या मजाक हो रहा है। पहले तो परीक्षा करवाने के लिए ही सालों इंतजार करवाया और अब पेपर लीक हो गया। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार को अब जाना होगा। और इस खबर के सामने आने के बाद हरियाणा में विपक्ष का एक सुर भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बहुत सुनियोजित तरीके से जो खट्टर सरकार पेपर लीक कराती है और कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। खट्टर साहब के राज में 300 बार पेपर लीक हो चुका है और यही कारण है कि आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। युवक मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत का रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद कोर्टों में मैटर जाता है और युवक ओवरएज हो जाता है। ऐसी स्थिति जो हरियाणा के अंदर है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है। हालांकि इस खबर के सामने आते ही पुलिस ने पेपर लीक गिरोह के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन प्रदेश सरकार की इस ढिलाई की वजह से पेपर देने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। बता दें कि इस बार सीईटी के पेपर के लिए 13 लाख बच्चों ने पंजीकरण करवाया था। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले देश के आम चुनाव भी हैं। दो बार सत्ता में रह चुकी खट्टर सरकार की राह इस बार आसान नजर नहीं आ रही और ऐसे ही कई मुद्दों पर सरकार की विफलताएं अगर जनता का मोह भंग कर दे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी।